हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर डेली एमपीपीएससी एमसीक्यू वीडियो पार्ट 5। माय नेम इज आदित्य दुबे एंड इन दिस टॉपिक वी विल लुक फॉरवर्ड टू समथिंग मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन है कि एमपी का सबसे पहला कैशलेस विलेज कौन सा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज बड़जरी। अब बड़जरी जो है ये भोपाल के पास है। ये एक ऐसा विलेज है जो एमपी का सबसे पहला कैशलेस विलेज घोषित किया गया था। ओके, इसके बाद अगर दूसरे ऑप्शन की बात की जाए तो वो है अकोडरा। अब अकोडरा भी दूसरे फैक्ट से लिंक करता है क्योंकि अकोडरा जो है वो गुजरात में लोकेटेड है, मींस गुजरात का एक विलेज है, और ये जो है ये फर्स्ट कैशलेस विलेज ऑफ इंडिया है। अब मतलब अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि इंडिया का सबसे पहला कैशलेस विलेज कौन सा है तो वो है अकोडरा, विच इज सिचुएटेड इन गुजरात स्टेट। वाइल अगर एमपी का अगर आपसे पूछा जाए तो वो है बड़जरी, जो कि है भोपाल डिस्ट्रिक्ट के पास। ओके, अब दूसरे ऑप्शन की अगर बात की जाए जो है धोरा माफी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है क्योंकि धोरा माफी जो है वो मोस्ट लिटरेट विलेज ऑफ इंडिया एज वेल एज एशिया है। मतलब अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि मोस्ट लिटरेट विलेज ऑफ इंडिया या आपसे पूछा जाए मोस्ट लिटरेट विलेज ऑफ एशिया, तो इसका सही आंसर है धोरा माफी। अब ये किस राज्य में है ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये बिलोंग करता है उत्तर प्रदेश को। ओके, तो यहाँ पे आपके 3 से 4 फैक्ट कवर हुए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि नेशनल डॉक्टर्स डे जो सेलिब्रेट किया जाता है वो किसके ऑनर में सेलिब्रेट किया जाता है। आप जानते हैं रिसेंटली फर्स्ट ऑफ जुलाई को सभी ने डॉक्टर्स डे के बारे में जाना कि डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। अब ये किसकी याद में या किसके ऑनर में सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये सेलिब्रेट किया जाता है ऑप्शन बी, दैट इज डॉक्टर बीधन चंद्र रॉय, जिनको बीसी रॉय के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर बीधन चंद्र रॉय जो हैं वो, इनके बारे में एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये वेस्ट बंगाल के, मींस बंगाल के सेकंड सीएम रहे हैं। ओके, बंगाल के सेकंड सीएम रहे हैं डॉक्टर बीसी रॉय, और इनकी रिमेम्बरेंस में, इनके ऑनर में नेशनल डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है। अब यहाँ पे दूसरे ऑप्शंस के साथ भी बात कर लेते हैं, तो दूसरे ऑप्शंस की अगर बात की जाए तो डॉक्टर आनंदी गोपाल जोशी, ये क्या है। अब डॉक्टर आनंदी गोपाल जोशी जो हैं वो इंडिया की पहली फीमेल डॉक्टर हैं। ओके, याद रखिएगा फर्स्ट फीमेल डॉक्टर ऑफ इंडिया। और अगर तीसरे ऑप्शन की बात की जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि डॉक्टर भक्ति यादव कौन है, तो ये हमारे एमपी की सबसे पहली फीमेल डॉक्टर हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, फर्स्ट फीमेल डॉक्टर ऑफ एमपी। ओके, अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो सकता है क्योंकि इनका पिछले साल निधन हुआ है, और एमपीपीएससी में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि डॉक्टर भक्ति यादव का संबंध या भक्ति यादव का संबंध इनमें से क्या है। तो ये एमपी की पहली डॉक्टर थी। ओके, और अगर आपसे इंडिया की पहली फीमेल डॉक्टर पूछी जाए तो वो थी डॉक्टर आनंदी गोपाल जोशी। और डॉक्टर बीधन चंद्र रॉय का संबंध किससे है, ये नेशनल डॉक्टर्स डे इनकी याद में सेलिब्रेट किया जाता है 1 जुलाई एवरी ईयर। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज 3rd of May। हर साल May 3 को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। अब इससे रिलेटेड मैं आपको एक और फैक्ट बताना चाहूंगा कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है वो भारत का रिसेंटली मीन 2018 में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स ऑफ इंडिया ड्रॉप हुआ है, और ये अभी स्थिति इसकी है 130th रैंक। तो इंडिया का अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि इंडिया का वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कौन सा है, तो वो है इंडिया का 130th रैंक। ओके, और अगर दूसरे ऑप्शंस की बात की जाए, जैसा मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया कि 1 जुलाई सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल डॉक्टर्स डे। ओके, अगर बात की जाए June 5th की, मींस 5 जून को क्या सेलिब्रेट किया जाता है, ये आप जानते होंगे कि वर्ल्ड एनवायरमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है 5th of June एवरी ईयर। लेकिन इस साल 5th of June काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्ल्ड एनवायरमेंट डे का जो होस्टिंग नेशन रहा है 5th of June 2018 का, वो इंडिया रहा है। ओके, तो आपसे इसकी थीम भी पूछी जा सकती है कि वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 2018 की थीम क्या है, तो ये है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। ओके, तो इस साल की थीम रही है, और इंडिया होस्टिंग नेशन रहा है तो इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब लास्ट ऑप्शन है जो मार्च 24, इस दिन सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड टीबी डे। ओके, टीबी स्टैंड्स फॉर ट्यूबरक्लोसिस। अगला क्वेश्चन है कि द फेमस नॉवल जंगल बुक
ड्रॉज इंस्पिरेशन फ्रॉम विच नेशनल पार्क ऑफ मध्य प्रदेश, मतलब जो फेमस नॉवल है जंगल बुक, आप सभी ने ये बुक जरूर देखी होगी, पढ़ा होगा इसके बारे में, इवन इसके ऊपर काफी मूवीज भी बनी है। तो ये जो बुक है इसने अपनी इंस्पिरेशन एमपी के किस नेशनल पार्क से ली? तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जंगल बुक के ऑथर कौन है। तो जंगल बुक के ऑथर है रुडयार्ड किपलिंग। ओके, रुडयार्ड किपलिंग वॉज द ऑथर ऑफ जंगल बुक। और इसने अपनी इंस्पिरेशन कहाँ से ली, मीन्स रुडयार्ड किपलिंग ने अपनी इंस्पिरेशन कहाँ से ली? तो ये ली थी उन्होंने ऑप्शन सी, दैट इज पेंच नेशनल पार्क। पेंच नेशनल पार्क से रुडयार्ड किपलिंग ने अपनी इंस्पिरेशन ली थी और उसी से उन्हें उन्हीं से उसने उन्होंने डिसाइड किया कि जंगल बुक नॉवल लिखी जाए। अब सिंस दूसरे ऑप्शन की बात चलिए तो वो भी मैं आपको बता दूं कि कान्हा किसली जो है वो हमारे एमपी का सबसे पहला नेशनल पार्क है। इसकी स्थापना कब हुई ये भी आप याद रखिएगा, 1955 को कान्हा किसली नेशनल पार्क की स्थापना हुई। ये प्रोजेक्ट टाइगर में भी शामिल होने वाला सबसे पहला नेशनल पार्क है एमपी में। अब कब शामिल किया गया प्रोजेक्ट टाइगर में, तो ये किया गया था 1974 में। तो आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत एमपी में किस वर्ष की गई, तो वो है 1974। और सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा ऐड किया गया, ऑफ कोर्स कान्हा किसली नेशनल पार्क। ओके, अगर दूसरे ऑप्शन की बात की जाए जो है बांधवगढ़, तो बांधवगढ़ जो है वो उमरिया डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करता है और ये 1993 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। ओके, और अगर आपसे इसकी स्थापना पूछी जाए कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी 1968 में। ओके, ये बिलोंग करता है उमरिया डिस्ट्रिक्ट में, इसकी स्थापना हुई थी 1968 में। प्रोजेक्ट टाइगर में इसको शामिल किया गया था 1993 में। और ये अगर आपसे इसके अलावा एक और फैक्ट ये भी पूछा जा सकता है कि ये कितनी हिल्स से सराउंड करता है, मतलब कितने इसमें हिल्स सराउंडेड हैं, तो वो हैं 32। ओके, और डेंसिटी वाइज एमपी का सबसे ज़्यादा डेंसिटी है इस नेशनल पार्क में टाइगर्स की। ओके, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। जैसा मैंने पैंच आपको बताया कि इस क्वेश्चन का आंसर है पैंच, ओके, कि फेमस नॉवल जो जंगल बुक है इसने इंस्पिरेशन अपनी ड्रॉ की है पेंच नेशनल पार्क से। अब पेंच नेशनल पार्क को इंदिरा प्रियदर्शनी पार्क के नाम से भी जाना जाता है। ओके, इंदिरा प्रियदर्शनी प्रियदर्शनी पार्क। ओके, और ये इसकी स्थापना कब हुई थी ये भी आप याद रखिएगा, 1975 को इसकी स्थापना की गई थी और ये सिवनी डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करता है हमारे एमपी के। ओके, अब अगर बात करते हैं लास्ट ऑप्शन की जो है रातापानी। रातापानी एक नेशनल पार्क नहीं है, रातापानी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो इकलौती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है हमारे एमपी की, जिसको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है। ओके, रातापानी किसको बिलोंग करती है, कहाँ बिलोंग करती है, ये बिलोंग करती है रायसेन डिस्ट्रिक्ट को। ओके, तो ये भी याद रखिएगा, रातापानी जो है वो एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल की गई थी। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइनेंस मिनिस्टर जो मध्य प्रदेश के हैं उन्होंने वर्ष 2018 का बजट कब प्रेजेंट किया। तो एमपीपीएससी में काफी डेट्स के क्वेश्चन आते हैं, अभी पिछले कुछ सालों से हमने देखा है कि काफी सारे क्वेश्चंस डेट्स से रिगार्डिंग पूछे जा रहे हैं। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि 20th of February को हमारे जो एमपी के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, अब उनका नाम भी आपको इंपॉर्टेंट है कि जयंत मलैया, मिस्टर जयंत मलैया इज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ एमपी, और उन्होंने 20th of February 2018 को एमपी का बजट पेश किया। ओके, अब इसके बारे में आपको एक और फैक्ट बताना चाहूंगा जो इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो एमपी का जो बजट है उसका अमाउंट कितना है, तो वो है 2,04,642 रुपये, मीन्स 2,04,642 रुपीज। तो ये बजट है हमारे एमपी का 2018 का। सो दैट्स इट फॉर नाउ, आई होप यू लाइक इट। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने काफ़ी ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया है, बहुत ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप प्लीज़ प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिएगा। मैंने एमपीपीएससी मेंस पेपर 2 की, साथ ही साथ असिस्टेंट रजिस्ट्रार की भी प्लेलिस्ट क्रिएट की है। अगर आपको मेरा चैनल का अच्छा लगता है, मीन्स अगर मेरा इनिशिएटिव अच्छा लगता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, और यदि आप पीडीएफ या किसी भी अपडेट से जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक है t.me/AdityaDubeMPPSC। इसके अलावा आप मुझसे फेसबुक में भी कनेक्ट कर सकते हैं, फेसबुक की लिंक है facebook.com/AdityaDubeMPPSC।
सो दैट्स इट फॉर नाउ. आई होप यू आर डूइंग वेल. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन. गुड लक.